आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलर्स करेंगे। कलर्स करने के लिए हम स्टेप में जाएंगे कलर्स। तो ये हमने अपनी पिछली वीडियो में फिश किया है, कलर फिश को कलर किया है। इसके बाद हमने एक तो हमने ड्रेन किया है कलर, दूसरा तीसरा हमने इस बोट को किया है कलर, काओ को किया है, और काओ के अलावा हमने और किस चीज़ को किया है ये मुझे याद नहीं आ रहा, दो तीन और चीज़ें की हैं। तो आज हम करते हैं बेबी डॉल को। तो आज बेबी डॉल को सबसे पहले हम कलर करेंगे। इसके लिए हम कलर कम्बिनेशन अपने जहन में सोच लें, आप जो जो आपको कलर करने हैं वो कर लेना आप, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से कलर करूँगा। देखना कि किस तरह मैं कलर करता हूँ, आप फिर उस डिज़ाइन में कलर करना। सबसे पहले इसके हाथ कलर करते हैं और फेस, और ये पैर, ये तो नेचुरल होते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी कलर कर सकते हैं, बाल को आप डाई कर सकते हैं भाई, ब्लैक के अलावा कोई भी कलर कर लें बालों को, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक करें हम। तो उसके अलावा हम कर लेते हैं बालों को ग्रीन। किस तरह, आजकल तो ग्रीन चल रहा है ना, सिंगर्स करते हैं यो यो। अब यहाँ हम करते हैं पॉकेट को रेड और इसको भी रेड, ये दो हो गए रेड। इस शूज को किस कलर के करें, शूज को, शूज के लिए बाद में कलर ढूंढते हैं। अभी आस्तीन कलर कर लिया हमने, और इनके अलावा अब कौन सा कलर होगा, इनके अलावा पिंक कलर कर देते हैं अपने इसके ड्रेस को। पिंक तो अच्छा ही नहीं लग रहा रेड के साथ, कुछ अलग कलर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए कलर सेलेक्ट करके ये कलर अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो ये कलर सम आओ लुकिंग गुड। या इसके अलावा हम यहाँ रेड कर दें तो कैसे लगेगा, रेड भी अच्छा है, तो रेड के साथ कोई और कलर कर देते हैं हम इसमें। चेहरे का कलर बिगड़ गया है तो कलर हमने दुरुस्त किया है, ये कुछ अच्छा लग रहा है कंट्रास्ट। यहाँ पे भी हम इसको कलर कर देते हैं रेड आस्तीन। ये सारे रेड कलर हो गए, और अब शूज के कलर हम चॉइस करते हैं। शूज में हम बॉटम इनके ब्राउन कर देते हैं, ये अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि इनमें चमक नहीं आ रही, तो मैंने ये कलर कर देते हैं शूज को। कैसे लगे आपको हमारा कलर, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारा डॉल कैसे लगा। आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।